नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू माइक पॉडकास्ट। मेरा नाम स्मिता है और मैं एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट और स्किन केयर फॉर्मुलेटर हूँ। आज के इस सोलो पॉडकास्ट में हम बात करेंगे स्किन केयर बेसिक्स के बारे में। क्या आप भी अपने स्किन को सुंदर, हेल्दी और ग्लोइंग बनाना चाहते हैं? तो ये पॉडकास्ट आपके लिए ही है। बाय द वे, जितने भी स्किन केयर प्रोडक्ट मैं आपको रेकमेंड करूँगी उनकी लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और एक बात, अगर आप स्किन केयर के बारे में और भी डिटेल्स में जानना चाहते हैं तो विजिट करें मेरी वेबसाइट www.greenspacelife.com, जहां आपको स्किन केयर के और भी अमेजिंग टिप्स और प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे। तो चलो शुरू करते हैं। अंडरस्टैंड योर स्किन टाइप, पहले स्टेप की तरफ चलते हैं, जो है अपनी स्किन टाइप को समझना। स्किन के चार बेसिक टाइप्स हैं, ड्राई, ऑयली, कॉम्बिनेशन और सेंसिटिव। हर स्किन टाइप के लिए अलग प्रोडक्ट्स और केयर की ज़रूरत होती है। अगर आप कंफ्यूज हैं कि आपकी स्किन टाइप क्या है, तो एक सिंपल ट्रिक है, अपने फेस को वॉश करके बिना कुछ लगाए कुछ देर के लिए छोड़ दीजिए। अगर स्किन टाइट या फिर ड्राई फील हो रही है तो आपकी स्किन ड्राई है, अगर शाइनी हो रही है तो ऑयली है, अगर कुछ जगह ड्राई और कुछ ऑयली है तो कॉम्बिनेशन स्किन है, और अगर इरिटेशन हो रही है तो आपकी स्किन सेंसिटिव है। अब आते हैं क्लींजिंग की तरफ, जो हर स्किन केयर रूटीन का फाउंडेशन है। दिन में दो बार अपने फेस को जेंटल क्लींजर से ज़रूर साफ करें। हार्श क्लींजर से दूर रहें, क्योंकि वो आपकी स्किन की नेचुरल ऑयल्स को हटा सकते हैं, जिससे ड्राइनेस या फिर इरिटेशन हो सकती है। मेरे रेकमेंडेड जेंटल क्लींजर्स की लिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। नेक्स्ट स्टेप है एक्सफोलिएशन। आउट विद द ओल्ड, इन विद द न्यू। एक्सफोलिएशन भी जरूरी है, लेकिन ओवर एक्सफोलिएशन से बच के रहना है। वीक में एक या दो बार माइल्ड एक्सफोलिएटर यूज़ करें, जो आपकी डेड स्किन सेल को हटाकर स्किन को फ्रेश और रेडिएंट बनाता है। याद रहे, ज़्यादा एक्सफोलिएशन से इरिटेशन हो सकती है। नेक्स्ट स्टेप है मॉइस्चराइजर, द की टू हाइड्रेशन। अगर आप हाइड्रेटेड और ग्लोइंग स्किन चाहते हैं तो मॉइस्चराइजेशन को इग्नोर मत करें। मॉइस्चराइजर आपकी स्किन की नेचुरल बैरियर को मेंटेन करता है और हाइड्रेशन प्रोवाइड करता है। सुबह और रात को मॉइस्चराइजर जरूर लगाएं। प्रोडक्ट रिकमेंडेशंस के लिए डिस्क्रिप्शन चेक करें। नेक्स्ट स्टेप है सन प्रोटेक्शन, योर स्किन्स बेस्ट फ्रेंड। आपका स्किन केयर इनकम्प्लीट है बिना सनस्क्रीन के। हर रोज एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम सनस्क्रीन विथ SPF 30 और अबव यूज़ करें, चाहे धूप यो या ना हो। सनस्क्रीन आपको प्रीमेच्योर एजिंग, सनबर्न और स्किन डैमेज से बचाता है। और हाँ, ये प्रोडक्ट्स भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। नेक्स्ट, टारगेटेड ट्रीटमेंट्स फॉर स्पेसिफिक कंसर्न। अब बात करते हैं टारगेटेड ट्रीटमेंट की। अगर आपको एक्नी है तो आप सैलिसिलिक एसिड या फिर बेंजोइल पेरोक्साइड वाले प्रोडक्ट्स यूज कर सकते हैं। अगर पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम है तो विटामिन सी या फिर नियासिनामाइड की प्रोडक्ट्स ले सकते हैं। इन सब की लिंक्स भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। नेक्स्ट है हेल्दी लाइफस्टाइल, दैट इज़ द ट्रू ब्यूटी कम्स फ्रॉम विद इन। स्किन केयर सिर्फ बाहर से प्रोडक्ट लगाने का नाम नहीं है, बल्कि एक हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करना भी जरूरी है। बैलेंस डाइट, एक्सरसाइज, एडेक्वेट स्लीप और हाइड्रेशन से भी आपकी स्किन ग्लो करती है। अब हम बात करते हैं कॉमन स्किन केयर मिस्टेक्स टू अवॉइड। आखिर में कुछ कॉमन स्किन केयर मिस्टेक्स जो आपको अवॉइड करनी चाहिए उसके बारे में बात करेंगे। जैसे कि हार्श क्लींजर को यूज़ मत करें, सनस्क्रीन को कभी स्किप ना करें, ओवर एक्सफोलिएशन से बचें, मेकअप लगा के कभी ना सोएं। और डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन चाहते हैं या आपको कस्टमाइज स्किन केयर सॉल्यूशन की ज़रूरत है तो विजिट करें मेरी वेबसाइट www.greenspacelife.com। वहाँ आपको स्किन केयर से रिलेटेड सारे टिप्स, ट्रिक्स और बेस्ट प्रोडक्ट मिल जाएंगे। और हाँ, जो भी स्किन केयर प्रोडक्ट्स मैं आपको रिकमेंड किया है उनके एफिलिएट लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। आप वहां से उन्हें इजीली परचेज कर सकते हैं और मेरी वेबसाइट के कंटेंट को भी सपोर्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये था आज का स्किन केयर बेसिक्स पॉडकास्ट। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और कमेंट में मुझे बताएं कि आप अपने स्किन केयर रूटीन में कौन से प्रोडक्ट्स यूज करते हैं। टिल नेक्स्ट टाइम, अपनी स्किन का ख्याल रखें और खुद से प्यार करें। बाय बाय।